में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर स्टॉक कारोबार कर रहा है और कंपनी को रोमानिया से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके चलते यहाँ पर आज तेजी बनी हुई है। इसके अलावा RVNL भी देखें, यहाँ पर भी 5% का उछाल है। किर्गिस्तान सरकार से जॉइंट वेंचर होने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है, इसके चलते सुबह से ही RVNL में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं PNB में भी आज अच्छी खरीदारी है, JP Morgan ने रेटिंग बढ़ा दी है और रेटिंग बढ़ाने के साथ ही 72 के टारगेट्स देख रहे हैं PNB के लिए, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आज PNB स्टॉक में भी अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। तो ये कुछ मिड कैप में मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स हैं। इसके अलावा पर कहाँ तेजी है, कहाँ पर मंदी देखने को मिल रही है मिड कैप स्पेस में, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर, उसके बाद हम इन स्टॉक्स पर चर्चा भी करेंगे। वामाक्षी, सबसे पहले आप बताइए मिड कैप में चढ़ने और गिरने वाले शेयर्स कौन कौन से हैं इस वक्त? जी बिल्कुल पूजा, शुरुआत करते हैं हम कुछ स्टॉक गेनर्स के साथ। तो येस बैंक फोकस में रहेगा, फ्राइडे की शार्प रैली के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। IRFC भी फोकस में है, 2 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। HPCL लगातार 4 दिन से स्टॉक हरे निशान में कारोबार कर रहा है, आज हम देख रहे हैं यहाँ पे करीब 3% के अपमूव नज़र आ रहे हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज भी फोकस में है, 2 दिन से स्टॉक में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। इनफैक्ट 7 नवंबर 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है सुप्रीम इंडस्ट्रीज के लिए। खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स, अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स के साथ। नवीन फ्लोरीन लगातार 2 दिन से ये स्टॉक लाल निशान में नजर आ रहा है। इनफैक्ट 18 नवंबर 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल है। कमिंस इंडिया भी फोकस में है, 8 दिन की तेजी के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट नजर आ रही है। इनफैक्ट 16 सितंबर 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल है कमिंस इंडिया के लिए। गोदरेज इंडस्ट्रीज भी 3 दिन की तेजी के बाद आज लाल निशान में कारोबार कर रहा है और वरुण बेवरेजेस ने अपना 52-वीक हाई टच किया और उसी के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट नजर आई है और अभी स्टॉक में करीब 2% के लोअर मूव्स नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक थीम्स की जो फोकस में है। सीमेंट स्टॉक्स में हम देख रहे हैं तेजी नजर आ रही है, बिरला कॉर्प, स्टार सीमेंट, दालमिया भारत, प्रिज्म, जॉनसन जैसे सारे ही सीमेंट नामों में हम देख रहे हैं कि करीब 1-4% की तेजी नजर आ रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं शुगर स्टॉक्स की, यहाँ पर हम देख रहे हैं थोड़ा दबाव नजर आ रहा है। अगर हम देखते हैं उत्तम शुगर, बलरामपुर चीनी, उगर शुगर, EID पैरी, ये सारे स्टॉक्स आज लाल निशान में है, 1% की गिरावट इन सारे शेयरों में भी हम देख रहे हैं। ऑलराइट है, तो ये कुछ बजिंग स्टॉक्स हैं जो कि अभी आपकी आपको वामाक्षी बता रही थी। इसके बाद हम कुछ खबरों पर भी फोकस करेंगे, लेकिन नीरव इन स्टॉक्स पर आपकी राय लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो RVNL पर राय दीजिए, इस स्टॉक को लेकर काफ़ी सारे सवाल हमें दर्शकों के भी मिलते हैं। 70 के लेवल के आसपास हमने देखा था, 67-70 के आसपास ये स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था। अब ये खबर आई है, उसके बाद देखिए आज तेजी है और 5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्या लग रहा है आपको, अब यहाँ से एक तेजी दिखनी शुरू होगी स्टॉक में, या फिर जिनके पास है ऑलरेडी ट्रेडिंग का नजरिया था वो निकल जाए अब इन स्तरों से? या देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि आप निकल जाइए एक बार के लिए। इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि देखिए, 1 अक्टूबर को इसका रेट करीब करीब 34 रुपए के आसपास था और उसके बाद 2 ही महीने में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 85-90 का हाई मार दिया, तो ऑलमोस्ट 3 गुना स्टॉक बढ़ चुका है। उसके बाद डेफिनेटली यू नो एक फेज ऐसा आता है जहाँ पे कंसोलिडेशन होता है। सो ये वही फेज है, अब मुझे लगता नहीं यहाँ से ज्यादा और ऊपर जा पाएगा ये स्टॉक। जब तक ये फेज निकालेगा नहीं तब तक यू नो कंसोलिडेशन में इनफैक्ट यू नो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग में रह सकता है, ऊपर में अराउंड 80 और नीचे में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 60-55 का रेंज में भी आ सकता है। तो यहाँ से आप प्रॉफिट बुकिंग कर ले, नहीं बाइंग जरूर अभी नहीं करना है। नीचे में अराउंड 55 का लेवल अगर आपको मिले तो वहां पे आप वापस नई पोजीशन बाइंग की बना सकते हैं, तब तक आप वेट करें। अगर कोई बाय में है तो एग्जिट करें पोजीशन, प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि यहां से एटलीस्ट 1-2 महीना स्टॉक ये कंसोलिडेशन में निकालेगा।
ठीक है, तो इन्हीं स्तरों के आसपास ही रहेगा। अगर आपको फायदा हो रहा है इन स्तरों पर तो फिर निकल जाएं, फ्रेश एंट्री की राय अभी नहीं दी जाएगी। अगर 55 के लेवल्स दिखे तो फिर आप एक तेजी के लिए यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं आरबीएनएल में, ये स्ट्रेटेजी आपको सुझा दी गई है। एक और स्टॉक नीरव वाटेक वाबाग, इसके चार्ट जिक्र बताइए। आज 11% ऊपर है ये स्टॉक। खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं, कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, कंपनी को रोमानिया से एक ऑर्डर मिला है, और जब ये खबर आई उसके बाद हमने देखा कि शानदार तेजी देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? इनफैक्ट हम देख रहे हैं पिछले एक महीने का चार्ट अगर देखें तो 27% चल चुका है, करीब करीब 80 अंकों की तेजी वाटेक वाबाग दिखा चुका है। आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या यहाँ से तेजी और बढ़ सकती है स्टॉक में? देखिए, ऐसा लग रहा है कि स्टॉक इज जस्ट स्टार्टिंग आउट। स्टॉक में जो ट्रेंड है वो बहुत ही बढ़िया है, और एक इंटरमीडिएट ट्रेंड था डाउनसाइड का। 400 से स्टॉक थोड़ा नीचे में 250 तक आया था, वहां से स्लोली बट स्टेडीली स्टॉक ने अच्छी बाइंग दिखाई और अब जाके ब्रेकआउट आया है। आई बिलीव ये जो स्टॉक है ये अब रुकने वाले स्टॉक में से नहीं है। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि यहाँ से 500 550 के लेवल्स आ सकते हैं ये स्टॉक में, तो जरूर खरीदारी करनी चाहिए। नीचे आता है तो नीचे में भी बाइंग करें और करंट लेवल्स पे भी आप बाय कर सकते हैं। नीचे में अराउंड 350 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और देखिए, इसमें दो रेजिस्टेंस आएंगे। ऊपर में पहला जो एक रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए 400 का है, 405 का है। एक बार वहां पे आता है, अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो आप वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, मगर अगर आपको मीडियम टर्म होल्ड करना है तो जरूर मुझे लगता है कि 500 550 का जो लेवल है वो जरूर आ सकता है, और पॉसिबिलिटी है 3 से 6 महीने में आ सकता है, तो आप वो लेवल्स को ध्यान में रखें।